खास एक एहसान है ये औलिया, एक एहसान है इनका हम सब पर, आशिकान औलिया पर और बिलखुसूस आशिकान इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह पर, कि जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए इस सिलसिले का आगाज किया। अल्लाह करीम ने इसका अजर अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। राय साहब का ही एक पसंदीदा कलाम है, उसके साथ चंद गिरे पेश करता हूँ, फिर जैसे आपका हुक्म होगा मिलकर कोई जुबान खामोश न रहे। ये आरिफाना कलाम और इस पर चंद बुजुर्गों की अशार गिरा करने की सआदत हासिल करते हैं। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ जबाना बेखुद किए देते हैं। कौन कौन पढ़ रहा है, किस किस को आता है, हाथ उठा कर कहे। सनम खाना चाहिए, जानाना चाहिए, दरे जानाना चाहिए, और सागर की आरज़ू है ना पैमाना चाहिए, बस एक निगाह मुर्शिदे में खाना चाहिए। सैयदो सादात फख्र सादात राजा साहब के बड़े लाडले सैयद बशीर शाह साहब, हमारे भाई और चौधरी जिया साहब, जगम भाई, ये सब भी तशरीफ फरमा है। मेरी नजर को जुनून का पयाम दे साकी, मेरी नजर को जुनून का पयाम दे साकी, मेरी हयात को लाफानी शाम दे साकी, और ये रोज रोज का पीना मुझे पसंद नहीं, ये रोज रोज का पीना मुझे पसंद नहीं, कभी ना होश में आऊं वो चांद दे साकी। साकी हो अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैखाना अजमेर का साकी हो। साहब के लिए खास है तेरी अता पे मेरी नजर, मुझे सुबह हो शाम की क्या खबर, है तेरी अता पे मेरी नजर, मुझे सुबह हो शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी जस्तजू, मेरी सुबह हो तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे रास्ता, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है।
नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी जस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे राज का, मैं तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। छुपा रखा है तूने पैखाना निगाहों में छुपा रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, और हर कदम सजदे बसत शौक किया करते हैं, हमने काबा तेरे कूचे में बना रखा है, और नाज कैसे न करूं बंदा नवाजी पे तेरी, मुझसे नाचीज को भी अपना बना रखा है। पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो तस्बीह टूट जाती है, मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो तस्बीह टूट जाती है, मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिंदगी निकल जाए कजा सी छूट जाती है, और मोहब्बत की नमाजों इमामत एक को सोपो, इसे तक ने उसे तक ने से नियत टूट जाती है। सिर नो पैर बनाइए एक बारी, महबूब बुलावे असी सिर नो पैर बनाइए, सिर मंगे ते सिर दईए असी कदी भी देर न लाइए, कदी ना यार दा शिकवा करिए, हमें सेट दिया मर जाइए, आजम क्या यारी दा लाइए, जे लाइए ते तोड़ दिखाइए। जिंदगी का सवाल है, क़िबला का हुक्म है, मौला कायनात की मनकबत के दो तीन शेर, और फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की मनकबत के चंद अशआर, हुज़ूर क़िबला साहबजादा हसन हफीज साहब सजादा नशीन आस्ताना जी अकदर शरीफ, आप भी राय साहब क़िबला की दावत पर तशरीफ लाए, आपको भी खुश आमदीद, मोहब्बत के साथ अली वाले मिलकर अली की आल के दर पर, अली के बेटे के दर पर बैठकर अली का जिक्र मोहब्बत से, कोई जुबान खामोश ना रहे, एक दफा जरूर अली वाला हाथ उठाए ताकि सीने में ठंड पड़ जाए, मिलकर मोहब्बत से कहो, अहले नजर की आंख का तारा अली 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 अली।
نظر و نظر حق کا بلی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب اصلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے اہل نظر کی جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں بلیوں کا بلی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شولے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں اور ہر 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 اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی میرے ساتھ کے ذوق کے لیے ایک شعر مجھے آ گیا اجازت بابا جی نہ سنایا تے پیٹ دردی تے ہوندی رہے یہ علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی کیوں وہ بت شکن ہے بتوں کو برا ہی لگتا ہے خوشی نہیں ہوتی علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی وہ بت شکن ہے بتوں کو برا ہی لگتا ہے نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے تو اتنا سوچتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا اہل نظر کی آنکھ کا تارا سارے دیوانے علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی کیوں نہ ہو شیر خدا علی مقصود حل عطا ہے شہ لا فتا علی جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی بندہ ہوں میں انہیں کا انہیں کا غلام ہوں مولا میرے امام میرے پیشوا علی اور بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا بہت کم رائے صاحب قبلہ جلوگر ہیں علماء اور مقتدر حلقوں سے مختلف بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے سب یہاں
गुलाम की हैसियत से इस सैयद के दर पर अली के बेटे के दर पर हाजिर हैं। मैं ये कम जगहों पर हुजूर पढ़ता हूँ जहाँ समझने वाले हों सिर्फ वहीं कि अली का नुत्र सलूनी के आबशार की जौ अली का नुत सलूनी के आबशार की जौ अली का हुस्न महो मेहर में हयात की रौ और अली हंसे तो फटे दो जहां में सुबह की पौ और अली जो चुप हो तो रुक जाए लब से आलम नौ अली रुके तो नवा खामशी मिटती है अली रुके तो नवा खामशी मिटती है और अली चले तो जमाने की सांस चलती है। नजर की आंख का तारा अली 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 पहले नजर की आंख का तारा अली अली वाले अली वाले पहुंच जाएंगे अली वाले पहुंच जाएंगे कि मौला अली शऊरे बशर फिक्रे अर्जमन डाली है जिसकी सोच ने अफलाक पर कमन वो जिसका मर्तबा बनी आदम में है बुलंद छिड़का है जिसने मौत के चेहरे पे चेहरे खन जो नुक्ता है उरूजे फरूओ उसूल था बिस्तर पे सो गया तो शबी है रसूल था। देख हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। तीन चार अशार मुझे ज़िया भाई कह रहे तो तीन शेर इमाम हसन की मनकबत और तीन शेर इमाम हुसैन की मनकबत। जी ठीक है तो पहले ये शहजादों की पढ़ के आखिर में सैयदा पाक को खत्म कर देंगे। ठीक है इस तरह इमाम हसन पाक की मनकबत जाबाई ने किया है तो तीन शेर उनके तीन शेर इमाम हसन पाक हुसैन पाक के और फिर उसके बाद सैयदा पाक की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करके मैं इजाजत ले लूंगा। कोई जुबान खामोश न रहे इमाम हसन पाक की मनकबत मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। सारे दोनों हाथ उठाकर पढ़ो पढ़िए। ए इमामे ज़मर ए इमामे ज़मर मेरे मौला हसन ए इमामे ज़मर ए इमामे ज़मर मेरे मौला हसन ए इमामे ज़मर मेरे मौला हसन आपकी कहते हैं नेमतो हिकमतो रहमत का चलन कहते हैं जिस जिस नन्नी सी कली भी हो चमन से बढ़कर हम उसे अपने अकीदे में हसन कहते हैं। आपकी शानाली की क्या बात है आप नूरे नबी हसन हे सीन नून लिखा हो तो नहीं पता चलता कि हसन लिखा है या हुस्न लिखा है। जब तक जबर ना लगाएं
शेयर में देखें इसका किस तरह इससे इस्तेफादा किया है। कहता है कि इतनी शफाफ शबी, इतनी शफाफ शबी और तो मुमकिन ही नहीं। और ये तो मोहम्मद का बदन लगता है। इतनी शफाफ शबी और तो मुमकिन ही नहीं। और ये तो मोहम्मद का बदन लगता है। हे को फिर सीन को फिर नून को लिख कर देखो। हे को फिर सीन को फिर नून को लिख कर देखो। हुस्न का हुस्न यही है कि हसन लगता है। आपकी शान आली की क्या बात है। आप नूरे नबी, आप नूरे नबी, आप नाज़े अली, बाबी सैयदा क्या हसी। शेर कितनी बुलंद इज्जत व अजमत हसन की है। कितनी बुलंद इज्जत व अजमत हसन की है। हर एक बशर के दिल में अकीदत हसन की है। और हुस्ने हसन को देख के अस्हाब ने कहा, हुस्ने हसन को देख के अस्हाब ने कहा, जैसी नबी की वैसी ही सूरत हसन की है। आपकी शान आली की क्या बात है। आप नूरे नबी, आप नूरे नबी, आप नाज़े अली, बाबी सैयदा क्या हसी। इसी तरह तीन अशआर इमाम हुसैन पाक की मनकबत। हाथों को उठाओ दीवानों की तरह जितने हुसैनी हो। राज साहब का हुक्म है तीन अशआर, इसके भी कोई जुबान खामोश न रहे। देख तू ओ दवास्ता रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देख तू रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। ऐसे कोई शहे मशरकैन बना, न पूछ ऐसे कोई शहे मशरकैन बना। बशर का हुस्न अकीदत का ज़ेब व ज़ैन बना। अली का खून लुआबे रसूल शीरे बुदूल, अली का खून लुआबे रसूल शीरे बुदूल। मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। मेरे नसीब हुसैन मेरी चोली आबाद सी की, हुसैन मेरी अच्छों के सारे आबाद सी। सत पुत्र देखे गया रागब तुझा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जहां मौत वहां
जिंदगी हुसैन से है, जहाँ है मौत वहाँ जिंदगी हुसैन से है, शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है, और यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं, बने भी कैसे कि जब दोस्ती हुसैन से है। इस कलाम का आखिरी शेर, तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी नबी आँख का नूर है, जो अली अली रूह का चैन है, वो तो नबी की आँख का नूर है, वो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। रब जाने के हुसैन जाने, रब जाने के हुसैन, जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। इसी तरह तीन से चार अशआर सीधा पाक मखदूमे कायनात की बारगाह में हुजूर साहब के ज़ौक के लिए एक मनकबत सईदा पाक की बारगाह में हम पढ़ते हैं, राज साहब को बहुत पसंद है, आखिर में उसी के तीन चार अशआर। मेरी दुआओं को जिगर दीन के सरदार की हैं, जौजे मोहतरमा हैदर करार की हैं, और माँ शब्बर शब्बीर दिल अफगार की हैं, सब जिसे जीनत ऐवान अली कहते हैं, हम उसे बागे रिसालत की कली कहते हैं। मैं जो मां निगाहें फलक में आली
मकाम हो जाए, निगाह खल्क में आली मकाम हो जाए, शरीके आले रसूले अनाम हो जाए, और कमर खुदा ने वो रुतबा दिया है जहरा को, कमर खुदा ने वो रुतबा दिया है जहरा को, जिसे ये दूध पिला दे इमाम हो जाए। मुझे तो हो उस्ताद खबर जलालवी, निगाह खल्क में आली मकाम हो जाए, शरीके आले रसूले अनाम हो जाए, निगाह खल्क में आली मकाम हो जाए, शरीके आले रसूले अनाम हो जाए, और कमर खुदा ने वो रुतबा दिया है जहरा को, जिसे ये दूध पिला दे इमाम हो जाए। जनाब जहरा हयात अंबर जनाब जहरा वफा का जेवर जनाब जहरा जो खाके जिंदा है कुल जमाना है तेरा लंगर जनाब जहरा जो पूछा जन्नत की कौन मलका तो बोले सरवर जनाब जहरा शान तूने जात से पाई है फातिमा, क्या शान तूने जात से पाई है फातिमा, खालिक ने दूसरी न बनाई है फातिमा, ये बात पूछनी हो तो आका से पूछिए, कितनी इबादतों की कमाई है फातिमा, और 70,000 हूरों का झुरमट है इर्द गिर्द, 70,000 हूरों का झुरमट है इर्द गिर्द, महशर में यूं खुदा ने बुलाई है फातिमा। तरतीब यूं है, मैं अभी दावत दे रहा हूँ वतन अजीज पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान शहर लाहौर दाता की नगरी से तशरीफ लाए हुए हाफिज अहमद रजा कादरी, वो तशरीफ लाएंगे और नजराना अकीदत पेश करेंगे। और माशाल्लाह शहर कराची से, मेरे शहर कराची से
आलमी शोहरत याफ्ता सना खाना रसूल और अच्छा पढ़ने वाले माशाल्लाह भाई महमूदुल हसन अशरफी और मोहम्मद खावर नक्शबंदी आप भी तशरीफ ला चुके हैं। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ ले आए। हाफिज साहब के बाद इंशाल्लाह नजराने अकीदत महमूद भाई भी और खबर भाई भी पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। इस वक्त मैं मुल्तमिस हूं हमारे शहजादा सैफ अल मलूक भाई वसीम अब्बास साहब मसरूफियत में लाडले हैं राजा साहब से इस वजह तो सारे दे लाडले ने माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत से ये सब मेहमानों को रिसीव करना मोहब्बत करना खुद बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं मुल्तमिस हूं हाफिज अहमद रजा कादरी से तशरीफ लाएं और नजराने अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। खास एक एहसान है ये औलिया